हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दुर्गेश है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम एक फॉर्म सर्वलेट को कैसे सबमिट कर सकते हैं, और हम लोग देखेंगे सर्वलेट की हेल्प से हम उस फॉर्म का डेटा कैसे फेच आउट कर सकते हैं और फॉर्म का डेटा फेच आउट करने के बाद उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस लाल बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने बहुत सारे सर्वलेट्स की वीडियोस अपलोड किया है, पाइथन की वीडियोस अपलोड किया, जावास्क्रिप्ट की वीडियोस अपलोड किया और एंड्रॉयड की वीडियोस अपलोड किए हैं। तो इन सब वीडियोज़ का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फ्रेंड, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ट्यूटोरियल। तो यहाँ पर हमने एक नेटबीन्स आईडी ये ओपन है और यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है यूट्यूब नाम से। इस प्रोजेक्ट में हमारे पास एक इंडेक्स डॉट एस टी एम एल फाइल है और यहाँ पे मैं कोडिंग करना स्टार्ट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एस टी एम एल स्टार्ट करूँगा और एस टी एम एल में हम लोगों ने एक एस टी एम एल टैग लगाया और एक हेड टैग लगाया। हेड टैग में हम लोग यहाँ लिख देंगे फॉर्म पेज। और फ्रेंड, यहाँ जो हम बॉडी टैग के अंदर दिखेंगे वो मुझे स्क्रीन पर दिखेगा, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक कंटेनर लगाता हूँ और कंटेनर के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक हेडिंग दूंगा H1 और H1 में लिखूँगा माय फॉर्म और इसको सेव करूँगा और देखते हैं कि ये पेज चलता है कि नहीं चलता। तो हम अपने प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे और रन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमारा माई फॉर्म आउटपुट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब इसके अंदर फॉर्म डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम फॉर्म डिज़ाइन करने के लिए हम लगाएंगे एक फॉर्म टैग, और फॉर्म टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे एक एक्शन एट्रीब्यूट्स में मैं दूंगा। यहाँ पे हम देंगे सर्वलेट का URL पैटर्न जिस सर्वलेट पे फॉर्म सबमिट करना है। तो हम एक सर्वलेट बनाएंगे, रजिस्टर सर्वलेट, इस सर्वलेट पे हम लोग फॉर्म सबमिट कर देंगे। और हमें बताना होता है मेथड कि ये जो फॉर्म होगा वो किस मेथड से सबमिट होगा। तो हम बता देंगे मेथड, हम पोस्ट, पोस्ट जो होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है और गेट होता है वो कम सिक्योर होता है। पोस्ट में हम लोग बहुत ज़्यादा डेटा भेज सकते हैं, ऑडियो वीडियो सब भेज सकते हैं। गेट में हम लोग सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकते हैं, और गेट, अगर गेट के फॉर्म में रिक्वेस्ट भेजते हो तो फिर वो URL बॉक्स में विजिबल भी होती है। तो यहाँ पे मैं कुछ पासवर्ड वगैरह भी भेजना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं गेट मेथड नहीं यूज़ करूँगा, मैं पोस्ट मेथड यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे पोस्ट मेथड, एक चीज़ हमें और याद रखना होगा कि अगर हम लोग यहाँ ये जो फॉर्म है वो भेज रहे हैं पोस्ट मेथड के फॉर्म में, तो हमें जब सर्वलेट बनाएंगे तो हमें, क्योंकि मैं सर्वलेट HTTP सर्वलेट की हेल्प से बनाऊंगा, तो हमें डू पोस्ट मेथड ओवरराइड करना होगा, क्योंकि ये मेथड जो सबमिट होगा पोस्ट के फॉर्म में सबमिट होगा। चलिए अब हम लोग बनाते हैं अपना फॉर्म। तो हम यहाँ पे कोई भी बूटस्ट्रैप मटेरियलाइज कोई भी लाइब्रेरी यूज़ नहीं करने वाले, तो मैं सिंपल हेल्प लूँगा टेबल की। तो मैं एक लगाऊँगा टेबल टैग, और टेबल टैग के अंदर मैं क्या करूँगा, अपने रोज़ बनाऊँगा। तो सबसे पहला रो जो होगा TR, और इस रो के अंदर हम दो कॉलम बनाएंगे TD1, और हम एक कॉलम और बनाएंगे। और पहले में लिख देंगे नेम, या लिख देंगे एंटर योर नेम, और उस दूसरे कॉलम में हम बना देंगे फील्ड। तो फील्ड बनाने के लिए हम लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, और नेम देना बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लिख देंगे यूज़र अंडरस्कोर नेम। और हम लोग पेज को आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे यहाँ पे एंटर योर नेम आ गया। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, एंटर योर नेम, और यहाँ पे फील्ड आ गया, हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। एक एट्रीब्यूट होता है HTML में प्लेस होल्डर, तो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्लेस होल्डर ऑल्सो, एंटर हेयर। प्लेस होल्डर की क्या प्रॉपर्टी, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पे एंटर हेयर आ रहा है। जैसे आप लिखना टाइप करेंगे प्लेस होल्डर गायब हो जाएगा, अदरवाइज ही प्लेस होल्डर रहेगा। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, एक और रो बनाते हैं। तो हम लोग रो बनाने के लिए यूज़ करेंगे TR टैग, और TR के अंदर पहला को सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम यहाँ लिख देंगे एंटर योर पासवर्ड, और फिर दूसरा कॉलम, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप, इस बार पासवर्ड का जो टाइप होता है वो पासवर्ड होता है, जिससे कि हमें डेटा विजिबल ना हो। और नेम में हम लिखेंगे यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड, और प्लेस होल्डर में भी आप लिख सकते हो एंटर हेयर, और फिर हम अपने इस फील्ड को बंद कर देंगे। और एक बार रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे एक फील्ड और दो फील्ड बन के रेडी है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और फील्ड बना लेते हैं ईमेल की। तो हम एक और TR बना लेंगे, और इस TR में हम लोग थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम बना लेंगे TD, और यहाँ लिख देंगे एंटर योर ईमेल,
और उसके बाद हम लोग एक और कॉलम बना लेंगे, थर्ड रो का सेकंड कॉलम, और यहाँ लिखेंगे इनपुट, इनपुट टैग और टाइप हम लिख देंगे ईमेल, और नेम दे देंगे, नेम देंगे यूज़र ईमेल, नेक्स्ट प्लेस होल्डर भी दे देंगे हम लोग एंटर हेयर, एंटर हेयर, और रिफ्रेश करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पास एक फील्ड और आ गई। इसी तरह हम फील्ड्स बना सकते हैं ईमेल की, पासवर्ड की और नेम। अब हम एक फील्ड बनाने जा रहे हैं जेंडर की, तो हम लोग फील्ड बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे एक और लोड, चौथा रो बनाएंगे टी आर की हेल्प से, और चौथे रो का फर्स्ट कॉलम टी डी की हेल्प से बनाएंगे, और टी डी की हेल्प से यहाँ पे हम लिखेंगे सेलेक्ट जेंडर, तो यहाँ पे जेंडर आ गया जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे दो रेडियो बटन बनानी है, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, पहली चीज़ तो हम कॉलम बना लेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट टाइप है वो हम दे देंगे रेडियो, और यहाँ पे नेम दे देंगे हम लोग जेंडर या यूज़र जेंडर, यूज़र अंडरस्कोर जेंडर। नेक्स्ट हम लोग इसका एक नेम दे देंगे, नेम तो यूज़र जेंडर ही हो गया, हम लोग दैट सिटी या वैल्यू दे सकते हैं। वैल्यू में हम लोग लिख देंगे ये मेल वाला है, तो यहाँ इसकी वैल्यू मेल लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ टाइप करेंगे मेल, और ये मेल है इस चेक इनपुट टाइप रेडियो को बंद करने के बाद है, तो अगर हम रिफ्रेश करें तो यहाँ पे मेल आ जाएगा, और इसको हम चेक कर पाएंगे रेडियो बटन। नेक्स्ट हम लोग को जस्ट मेल के बाद एक स्पेस देना है, तो HTML में एक स्पेस तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, अगर आपको और भी ज़्यादा स्पेस देना है तो आपको लिखना होता है &NBSP फॉर स्पेस। अगर आपको एक और स्पेस देना है तो फिर &NBSP। इसी तरह हम लोग बहुत सारे स्पेसेस दे सकते हैं, दो स्पेसेस हो गए। और हम फिर से एक और रेडियो बटन बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे इनपुट टाइप इज इक्वल टू रेडियो, रेडियो, और रेडियो में नेम हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो नेम पास करेंगे वो हम लोग वही नेम पास करेंगे जो मेल वाले ने पास किया था। मेल वाले ने पास किया था यूज़र अंडरस्कोर जेंडर, और इसकी वैल्यू जो हम ले लेंगे वो ले लेंगे फीमेल। और ये बंद होने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फीमेल, और रिफ्रेश करेंगे तो हम देख पाएंगे यहाँ पे मेल के बटन है, फीमेल के बटन, और ये दोनों बटन एक बार में एक ही चेक हो रही है। ये इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने दोनों इनपुट टाइप का जो नाम है वो सेम दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका नाम भी यूज़र जेंडर है और दूसरे वाले का नाम भी यूज़र जेंडर है, इसीलिए दोनों एक बार में एक ही सेलेक्ट हो रही है। अगर नेम अलग अलग होता, डिफरेंट होता, तो यहाँ पे दोनों को हम लोग सेलेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट हमको एक ऑप्शन देना है, लेट अस सपोज इंटरेस्ट हमें लेना है, इंटरेस्ट या फिर कोर्स हमें लेना है, कोर्स लेना है, तो हम लोग एक रो और बनाएंगे, और रो बनाएंगे टी आर की हेल्प से, और यहाँ पे हम एक फिफ्थ रो का पहला कॉलम बनाएंगे टी डी की हेल्प से, और इसमें हम लोग क्या करेंगे, टी डी में लिख देंगे सेलेक्ट योर कोर्स, तो हमारे पास एक और रो आ जाएगी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टी डी दूसरा कॉलम बनाएंगे, और यहाँ पे हम ऑप्शंस देंगे, तो ऑप्शन देने के लिए हमारे पास एक टैग है सेलेक्ट, और इसमें हम लोग नेम दे सकते हैं, हम लोग देख लेंगे यूज़र कोर्स, और इस टैग के अंदर हमें ऑप्शन देना होता है कौन कौन से ऑप्शन हमें दिखाना है। तो हम लिखेंगे वैल्यू, सबसे पहले लेट अस सपोज हम जावा, और हम यहाँ लिखेंगे जावा। उसके बाद हमें मान लो कई सारे ऑप्शन देने हैं, तो मैं यहाँ लिख दूंगा PHP। ये वैल्यू मैंने अलग से PHP इसीलिए लिखा है क्योंकि ये वैल्यू आपको सबमिट होगी, सर्वलेट में मिलेगी। जब ये बंदा सेलेक्ट करेगा तो सर्वलेट पे PHP मिलेगा, जब जावा सेलेक्ट करेगा तो सर्वलेट पे जावा मिलेगा। इसी तरह हम लिख देंगे यहाँ पाइथन, और यहाँ पे भी हम लोग देंगे पाइथन, और यहाँ पे भी हम लिख देंगे लेट अस सपोज एंड्रॉयड, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे एंड्रॉयड, और हम सेव करेंगे, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पे देखेंगे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो हमने फील्ड्स बना ली, पासवर्ड फील्ड बना लिया, ईमेल वाली फील्ड बना दी, सेलेक्ट बॉक्स बना लिया, और यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं चेक बॉक्स। तो हम लोग एक और रो बनाएंगे यहाँ पे TR, और TR में TR बनाएंगे, TD नहीं, TD मीन्स कॉलम होता है। तो सबसे पहले हमें रो बनाना पड़ेगा, उसके बाद हमें
TD बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे चेकबॉक्स बनाएंगे। चेकबॉक्स बनाने के लिए आपको सीधा लिखना होता है इनपुट टाइप चेकबॉक्स, और चेकबॉक्स चेकबॉक्स में आप वैल्यू दे सकते हो, लेट अस सपोज चेक्ड चेक्ड, और आप इसका नेम दे सकते हो। हमने कहा कंडीशन, नेम में कंडीशन है, एंड दैट्स इट, बंद कर दो इसको। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें हम लोग लिख देंगे एग्री टर्म्स एंड कंडीशंस, और देखेंगे यहाँ पे तो हमारे पास एक चेकबॉक्स बन गया और इस चेकबॉक्स में एग्री टर्म्स एंड कंडीशन आ गए। इस चेकबॉक्स को हम इस कॉलम के सेंटर पे करना चाह रहे हैं, तो हम लोग ये चेकबॉक्स का हम लोग यहाँ आएंगे, लगा देंगे स्टाइल, स्टाइल में लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पर लिख देंगे सेंटर, और हम फिर से क्या करेंगे रिफ्रेश, तो यहाँ पर चेकबॉक्स सेंटर पर आ जाएगा। और भी इधर लाना है राइट की साइड, तो हम लोग यहाँ पर लगा देंगे राइट, और हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे चेकबॉक्स राइट में आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म बना लिया, अब इस फॉर्म का डेटा सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए हम लोग एक बटन बनाते हैं यहाँ पे, इवन दो बटन बनाते हैं, एक सबमिट का और एक रीसेट का बटन बनाते हैं। तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे एक और कॉलम, एक और कॉलम, और एक TD बनाएंगे, उसमें ब्लैंक छोड़ देंगे, मुझे कुछ नहीं रखना है। और दूसरा जो TD होगा उसमें हम बनाएंगे बटन। तो बटन बनाने के लिए मैं यूज़ करूँगा बटन टैग और टाइप, ये बटन जो होगी सबमिट टाइप की होगी क्योंकि फॉर्म को सबमिट करेगी, और हम यहाँ लिख देंगे रजिस्टर रजिस्टर, और उसके बाद हम एक और बटन बनाएंगे रीसेट की, जो कि फॉर्म को रीसेट कर दे। तो हम लिखेंगे यहाँ रीसेट, और यहाँ पर हम सबमिट की जगह कर देंगे रीसेट। तो HTML में जो बटन होती हैं वो इसके लिए तीन तरह की होती हैं, एक सबमिट जो फॉर्म को सबमिट करती है, रीसेट जो फॉर्म को रीसेट करती है, और एक नॉर्मल बटन होती है जो आप रख सकते हो jQuery वगैरह के लिए या JavaScript वगैरह। तो यहाँ हम देख पाएंगे एक रजिस्टर बटन है जो फॉर्म को सबमिट कर रही है रजिस्टर सबरेट पे, और एक रीसेट बटन है जो फॉर्म को रीसेट कर देगी। अगर मैं यहाँ कुछ डालूंगा और रीसेट कर दूंगा तो फॉर्म हमारा रीसेट हो जाएगा। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ, यहाँ मैं कुछ डालूंगा, यहाँ भी कुछ डालूंगा और रीसेट कर दूंगा तो फॉर्म हमारा रीसेट हो गया। चलिए फ्रेंड्स अब हम थोड़ा सा इस पे स्टाइल लगा के इस फॉर्म को सेंटर पे लाते हैं, यहाँ पे लाते हैं फॉर्म को। तो हमारे पास सबसे पहले कंटेनर है, तो इस कंटेनर पे ही कुछ स्टाइल लगाते हैं। तो हम आ जाएंगे हेड सेक्शन में, और यहाँ पे लगाएंगे स्टाइल टैग, और स्टाइल टैग के अंदर हम पकड़ेंगे इस क्लास कंटेनर को, इस क्लास कंटेनर को। तो क्लास को पकड़ने के लिए आपको लिखना होता है डॉट, और आपको क्लास का नाम लिखना है। फिर हम लगाएंगे विड्थ, सबसे पहले विड्थ लगा देंगे, और विड्थ हम रखेंगे 40%, और हम रखेंगे बॉर्डर, बॉर्डर में हम रखेंगे एक पिक्सल का सॉलिड E2 E2 E2। एक बार देखेंगे कौन सा कलर है, आके रिफ्रेश करते हैं देखेंगे। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं, कलर में भी शायद मैच नहीं किया, तो हम कलर ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक कलर, और रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास एक ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया, और ये हमारी डिव है जिसकी 40% विड्थ है। तो हम क्या करते हैं, मार्जिन क्या कर देते हैं, ऑटोमेटिक कर देते हैं, मार्जिन ऑटोमेटिक ऑटो, और हम फिर से रिफ्रेश करते हैं तो हमारा फॉर्म सेंटर पे हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और हम छोटा कर सकते हैं इसकी विड्थ, छोटा कर सकते हैं, लेकिन अब करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम थोड़ा सा और स्टाइल लगा रहे हैं। पैडिंग हम दे रहे हैं चारों तरफ से 20 पिक्सल की, और हम लोग देख पाएंगे इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे चारों तरफ से 20 पिक्सल की डिस्टेंस आ गई, इंटरनल डिस्टेंस, बॉर्डर के अंदर की डिस्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्म के फॉन्ट को भी बढ़ा देते हैं। तो फॉर्म के फॉन्ट को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कंटेनर के अंदर जो, या इसी कंटेनर पे हम लोग सबसे पहले फॉन्ट साइज लगाते हैं, देखें फॉन्ट साइज, और हम लगा देते हैं फॉन्ट साइज 35 पिक्सल, और रिफ्रेश करते हैं एक बार तो देखेंगे फॉन्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको, कर देते हैं 20 पिक्सल, और हम लोग फिर से रिफ्रेश करते हैं तो अब नॉर्मल फॉन्ट की साइज़ है। और इसकी इन सब की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं सारी विड्थ। जैसे हमें इनपुट की विड्थ बढ़ानी है तो मैं क्या करूँगा, फॉर्म की एक आईडी दे देते हैं, फॉर्म की आईडी देते हैं माय फॉर्म, और हम इस आईडी के थ्रू सब चीज़ पकड़ सकते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे आईडी को पकड़ने के लिए हैश लगाएंगे, माई फॉर्म के अंदर हम कहेंगे जो टेबल है
उसके अंदर जो TR है, उसके अंदर जो TD है, उसके अंदर जो इनपुट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस माई फॉर्म के अंदर जितनी भी टेबल्स होंगी, जितने भी TR होंगे, जितनी भी TDs होंगी, जितने भी इनपुट्स होंगे, सबको पकड़ लेगा। और मैं सीधा कहूँगा फॉन्ट साइज़ जितना 20 पिक्सल उसका था उतना ही 20 पिक्सल इसका दे देंगे और रिफ्रेश कर देंगे। तो देखेंगे यहाँ सारे फील्ड का फॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो हम लोग ऐसे कोडिंग कर सकते हैं, और फिर हम विड्थ थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। जहाँ पे 40% लिया था उसको 30% कर देते हैं, एक बार देखते हैं, रिफ्रेश कर दें, दैट्स इट, परफेक्ट। तो हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्म बन के आ गया, और जिसमें हम लोग नाम्स अपना फॉर्म डिटेल फिल कर सकते हैं, नेम, पासवर्ड, ईमेल और जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। जैसे एग्री करेंगे तो रजिस्टर जैसे करेंगे आपका रजिस्टर सर्वलेट चल जाएगा। तो हम लोग एक बनाते हैं रजिस्टर सर्वलेट, आते हैं यहाँ पे, और हम लोग आएंगे सोर्स पैकेजेस में, और कॉम डॉट प्रैक्टिस एक पैकेज बना हमारे में ऑलरेडी, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे एक जावा की क्लास बना लेंगे, और हम यहाँ पे लिख देंगे रजिस्टर सर्वलेट, और हम लोग क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो यहाँ नेटबीन्स क्या करेगा, हमारा जावा की क्लास, हमारी जावा की क्लास क्रिएट कर देगा। तो हम लोग इसको हटाएंगे, सबसे पहले इम्पोर्ट करेंगे, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट एस्ट्रिक, एंड एक पैकेज और मुझे चाहिए, इम्पोर्ट जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP की सारी क्लासेस। नेक्स्ट हम लोग प्रोटोकॉल स्पेसिफिक सर्वलेट बनाना चाहते हैं। एक चीज़ और फ्रेंड, ये जो पैकेज का स्टेटमेंट है इसको हमें टॉप पे करना पड़ेगा, तो इस पर भी मूव कर देते हैं। और हम लोग जो सर्वलेट बनाएंगे वो HTTP सर्वलेट की हेल्प से बनाएंगे। तो अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा है HTTP सर्वलेट क्या है, कैसे सर्वलेट बनाना है, तो हमने पिछले वीडियो इसी भी बनाया था, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जाके उसको देख लीजिए। चलिए फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे, HTTP सर्वलेट की हेल्प से सर्वलेट बनाने के लिए हम लोग एक्सटेंड्स करेंगे HTTP सर्वलेट क्लास। और क्योंकि जो हमारा फॉर्म होगा, यहाँ पे जो फॉर्म हम लोगों ने क्रिएट किया है, ये फॉर्म सबमिट हो रहा है पोस्ट मेथड की हेल्प से, तो हम लोग को यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ेगा डू पोस्ट। अगर वो फॉर्म गेट से आ रहा होता, मैं एक बार दिखा देता हूँ, अगर ये फॉर्म गेट मेथड से आ रहा होता तो हमें डू गेट चाहिए होता वहाँ पे, लेकिन अगर ये फॉर्म पोस्ट से आ रहा है तो हमें डू पोस्ट चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग डू पोस्ट बनाएंगे। डू पोस्ट बनाने के लिए आप पूरा लिख सकते हैं पब्लिक वॉइड डू पोस्ट, और यहाँ पे हमें देना होता है HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट, सर्वलेट रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट कॉमा HTTP सर्वलेट रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स, और हाँ ये दो एक्सेप्शन थ्रोज करता है, थ्रोज सर्वलेट एक्सेप्शन कॉमा IO एक्सेप्शन, तो यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्वलेट का जो है मेथड था उसकी बॉडी को ओपन कर देंगे, क्लोज कर देंगे, तो परफेक्ट हमारा सर्वलेट रेडी है। और हमारा ये डू पोस्ट मेथड चल जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे वहाँ से आप सर्वलेट को फॉर्म को सबमिट करोगे। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस डू पोस्ट के पैरामीटर में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, एक रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है और एक रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग कोई डेटा फेच कर सकते हैं, और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम लोग डायनेमिक रिस्पॉन्स जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम लोग प्रिंट कर सकते हैं HTML, यहाँ से हम कोई भी डायनेमिक रिस्पॉन्स जो ब्राउज़र को देना है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई सर्वर से कुछ पूछता है या इस सर्वर से कोई पूछता है, तो अगर वो जो बंदा है वो अपने साथ कोई डेटा भेज रहा है, तो हम सर्वर क्या करेगा या सर्वर क्या करेगा, उस डेटा को फेच करेगा विद द हेल्प ऑफ दिस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। और सर्वर को अगर कुछ भेजना होगा वापस, तो वो भेजेगा रिस्पॉन्स की हेल्प से। तो ऑन इंस्टेंट थोड़ी देर के लिए आप ऐसा सोचिए कि जो फॉर्म आ रहा है वो फॉर्म आ रहा है, उसको कोई बंदा भेज रहा है इस डू पोस्ट को, और उस फॉर्म के साथ बहुत सारा डेटा है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, जेंडर है, कोर्स है, तो वो सारा डेटा रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में सर्वर डाल देगा, और हम लोग को इसी ऑब्जेक्ट से सारा डेटा फेच करना होगा। तो चलिए हम लोग फेच करते हैं, देखते हैं काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले मैं रिस्पॉन्स कुछ प्रिंट करने के लिए हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेट कॉन्टेंट टाइप, कॉन्टेंट टाइप, और हम टाइप देंगे यहाँ पे टेक्स्ट स्लैश HTML। हम बता देंगे भैया जो मैं आउटपुट दूंगा वो एक HTML फॉर्म का आउटपुट होगा, और हम प्रिंट करने के लिए निकालेंगे प्रिंट राइटर राइटर, और राइटर में प्रिंट राइटर
प्रिंट राइटर आउट इज इक्वल टू रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर, रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर डॉट गेट राइटर। तो हमारे पास राइटर मिल गया, इसकी हेल्प से हम क्या आउटपुट दे सकते हैं किसी को। चलिए हम सबसे पहले ही आउटपुट दे देते हैं आउट डॉट प्रिंट एल एन, ब्राउजर को हम आउटपुट दे देते हैं वेलकम। तो हम थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करते हैं, H2 में लिख देते हैं वेलकम टू रजिस्टर 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 सर्वलेट, और हम फिर H2 को क्लोज कर देते हैं। और हम इस सर्वलेट को चला के सबसे पहले देखते हैं ये चल रहा है फॉर्म के सबमिट होने पे कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा होगा तो हम लोग यहाँ पे डेटा फेच करेंगे, अगर नहीं चल रहा होगा तो हम लोग जो प्रॉब्लम होगी उसको रिजॉल्व करेंगे। तो हम लोग को मैपिंग भी करनी पड़ेगी रजिस्टर सर्वलेट की वेब डॉट एग्जाम्पल में। तो हम लोग आएंगे वेब INF फोल्डर के अंदर और यहाँ पर एक फाइल मिलेगी वेब डॉट एग्जाम्पल फाइल, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे मैपिंग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्वलेट ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है तो हम लोग सर्वलेट को डिक्लेयर कर देते हैं सर्वलेट टैग से। और सर्वलेट टैग के दो इनर टैग हैं, एक है सर्वलेट नेम, तो सर्वलेट नेम में हम डाल देंगे रजिस्टर, और एक टैग होता है सर्वलेट क्लास। सर्वलेट क्लास में अपनी फुल क्लास नेम देनी है तो हम लिखेंगे कॉम डॉट प्रैक्टिस डॉट रजिस्टर सर्वलेट सर्वलेट। और हमें फिर से लगाना होगा सर्वलेट मैपिंग टैग सर्वलेट मैपिंग, और इस मैपिंग टैग के अंदर फिर से दो इनर टैग हैं, एक का नाम है सर्वलेट नेम तो हमको वही नाम देना है रजिस्टर सर्वलेट या रजिस्टर, और हमें यहाँ पे देना है URL पैटर्न। और URL पैटर्न में जो फॉर्म का एक्शन है मैं वही लाऊंगा, फॉर्म का एक्शन हमें मिलेगा HTML में ये फॉर्म का एक्शन। तो URL पैटर्न में हमें यही देना होगा, तो मैं लगाऊंगा स्लैश और फिर URL पैटर्न को क्लोज कर दूँ। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को फिर से रन करूँगा और देखेंगे कि फॉर्म सबमिट करने पे हमारा सर्वलेट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो जैसे मैं सबमिट करूँगा देखिए वेलकम टू रजिस्टर सर्वलेट, इसका मतलब ये सर्वलेट से आउटपुट आ रहा है और ये फॉर्म भी वहीं पे जा रहा होगा। तो हम आप क्या करते हैं फॉर्म से एक एक डेटा निकाल के यहाँ पे प्रिंट लिस्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले नेम पासवर्ड ईमेल आते हैं अपने रजिस्टर सर्वलेट पे, और यहाँ पे डेटा फेच करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंटेनर लेना होगा डेटा स्टोर करने के लिए। तो नेम के लिए हम लेंगे स्ट्रिंग नेम, ये जावा है सिंपल, और रिक्वेस्ट की हेल्प से डेटा निकालेंगे क्योंकि जो डेटा आ रहा होगा रिक्वेस्ट के पास आ रहा होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कभी भी अगर कोई भी क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा डेटा भेजेगा फिर चाहे ऑडियो हो वीडियो हो सब रिक्वेस्ट में आएगा। तो हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट, इसके बाद एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के पास एक फंक्शन है गेट पैरामीटर, और हमें इसके अंदर देना होता है फॉर्म फील्ड का नाम। तो हम अपने नेम वाली फॉर्म फील्ड का नाम दे देंगे। तो हम एक बार देख लेते हैं नेम वाली फॉर्म फील्ड का नाम यूज़र नेम। आप भी गलत मत करिए, एक बार जाकर रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए कि हम लोगों ने फॉर्म फील्ड का नाम क्या दिया था। तो हमारा नेम निकल आएगा, उसके बाद हम स्ट्रिंग लेंगे पासवर्ड, और पासवर्ड में मैं लिखूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और पैरामीटर में मैं यहाँ पे यूज़र अंडरस्कोर पासवर्ड पास करूँ। उसके बाद हम ले लेंगे यहाँ पे ईमेल स्ट्रिंग ईमेल, और हम लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर स्ट्रिंग यूज़र अंडरस्कोर ईमेल, तो हमारा ईमेल आ जाएगा। उसके बाद हम जेंडर के लिए लेते हैं स्ट्रिंग जेंडर और रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, एक एक करके सारा डेटा हम फेच कर लेंगे यूज़र जेंडर लास्ट नेक्स्ट कोर्स है देख लेते हैं एक बार। हम यहाँ पे आके ईमेल हो गया जेंडर हो गया अब कोर्स, तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी हम क्या करेंगे स्ट्रिंग कोर्स इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और हम यहाँ पे लेंगे यूज़र अंडरस्कोर कोर्स। एंड नेक्स्ट वन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट भी आप निकाल सकते हो टर्म्स एंड कंडीशन जो वहाँ पे चेक बॉक्स था, तो हम यहाँ लिखते हैं कंडीशन CONDलिखते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे हम लिख देंगे उसका ना चेक बॉक्स का जो नाम दिया था हम लोगों ने, तो नाम दिया था कंडीशन, तो हम यहाँ पे नाम दे देंगे। एक बार रिक्रॉस चेक कर लेते हैं, नाम दिया था कंडीशन तो यहाँ पे वैल्यू आ जाए चेक, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई। तो हम लोग क्या करते हैं हम चेक कर लेते हैं इफ जो कंडीशन आपकी आएगी डॉट इक्वल्स उसकी वैल्यू अगर मुझे मिली चेक, दैट मीन्स हमें चीज़ें प्रिंट करनी है, और अगर चेक नहीं मिली तो हम यहाँ पे कुछ मैसेज प्रिंट कर देंगे यू हैव नॉट एक्सेप्टेड द टर्म्स एंड कंडीशन, तो हम एल्स लगा देंगे। अब हम एल्स लगा देंगे और एल्स चलेगा दैट मीन्स वैल्यू चेक्ड नहीं है, तो हम आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख देंगे
और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, थोड़ा सा हम फॉन्ट इंक्रीज़ करेंगे सबसे पहले H2, क्योंकि हम डायनेमिक रिस्पॉन्स HTML के फॉर्म में जनरेट करें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यू हैव नॉट एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पे अगर है तो हम प्रिंट करेंगे, तो मैं आउट डॉट प्रिंट एलन सबसे पहले मैं लिखूँगा H2, और H2 के बाद मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा नेम, और फिर H2 को मैं क्लोज कर दूँगा। तो कॉन्कैटिनेट करना है मुझे बेसिकली HTML, और मैं यहाँ पे नेम कोलन लगा भी देता हूँ जिससे कि हमारा नेम भी पता चले। उसके बाद फ्रेंड हम लोग इस लाइन को कॉपी करेंगे, क्योंकि हमें पासवर्ड भी प्रिंट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा पासवर्ड, और यहाँ पे भी हम पासवर्ड वेरिएबल लिख देंगे, और फिर से इसको कॉपी करेंगे। तो डुप्लीकेट करने के लिए नेटबीन्स में कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो, तो अपने आप डुप्लीकेट हो गया। पासवर्ड के बाद ईमेल, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे ईमेल, और हम फिर से लगाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और लिख देंगे यहाँ पे जेंडर, और हम यहाँ पे फिर से हम वेरिएबल का नाम जेंडर, और लास्ट में कोर्स, कौन सा कोर्स भाई सेलेक्ट किया है, तो हमें आप लिख देंगे कोर्स, यहाँ पे कोर्स वाला वेरिएबल जेंडर से जगह कोर्स। दैट्स इट फ्रेंड, यहाँ पे फॉर्म जो आएगा उसका सारा डेटा हम लोग निकालेंगे, और निकालने के बाद एक कंडीशन लगाएंगे, और कंडीशन लगाने के बाद डेटा प्रिंट कर देंगे। अगर हम चाहते तो यहाँ पे JDBC की हेल्प से डेटा को डेटाबेस में भी डाल सकते थे विद द हेल्प ऑफ JDBC, तो हमें वही स्टेप फॉलो करना पड़ता, कनेक्शन बनाना होता, कनेक्शन बनाने के बाद हम लोग को डेटाबेस में क्वेरी लगानी पड़ती है, सारा काम करना पड़ता है डेटाबेस में सेव करने के लिए। तो देखते हैं कि यहाँ पे डेटा प्रिंट होता है कि नहीं प्रिंट होता है। तो मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम को, अपने प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करूँगा, या आप दोबारा रीरन कर सकते हो, और यहाँ पे मैं नाम देने की कोशिश करूँगा अपना नाम, और पासवर्ड यहाँ पे दे देते हैं ऐसे ही टेक्सॉफ्ट, और ईमेल दे देते हैं durgesh@gmail.com। उसके बाद मेल सेलेक्ट कर लेते हैं जेंडर, और कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं एंड्रॉयड, एग्रीमेंट चेक कर लेते हैं, और रजिस्टर पर क्लिक कर दें। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे वेलकम टू रजिस्टर सर्वर, नेम, पासवर्ड, ईमेल में नल दे रहा है, देखते हैं क्या दिक्कत हो गई, और मेल एंड्रॉयड सारी चीज़ प्रिंट हुआ। ईमेल को एक बार वेरीफाई करते हैं, तो ईमेल के मैंने लिखा लिया है यूज़र ईमेल, और हम लोग फील्ड का नाम चेक कर लेते हैं ईमेल, ईमेल में यूज़र नेम ले लिया था, तो हम लोग यहाँ ईमेल कर देते हैं और सेव कर देते हैं, और फिर से हम लोग जाते हैं रिफ्रेश करते हैं, और फिर से फॉर्म को रीफिल करते हैं durgesh@gmail.com, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर, देखिए नेम भी आ गया, पासवर्ड भी आ गया, यहाँ ईमेल भी आ गया, मेल भी आ गया, और एंड्रॉयड भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बंदा ने चेक नहीं किया होगा, उस केस में देखते हैं क्या होता है, उस केस में ब्लैंक वैल्यू आई, एल्स नहीं चला, चेक कर देंगे तो आपकी डिटेल आ जाएगी, और अनचेक करेंगे तो यहाँ पे ब्लैंक वैल्यू आई, दैट मीन्स ये वाली लाइन नहीं चल रही, सेव करते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि एक्सेप्शन आ जा रही, नल वैल्यू आ जा रही है अगर आप चेक नहीं कर रहे हो। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस कंडीशन को प्रिंट करके देखता हूँ, आउट डॉट प्रिंट एलन कंडीशन को प्रिंट करके देखता हूँ, फिर मुझे पता चल जाएगा क्या एक्चुअल में प्रिंट हो रहा है। तो अगर आप चेक करते हो तो चेक्ड प्रिंट होगा, आपकी वैल्यू प्रिंट होगी, अगर आप अनचेक करोगे तो नल प्रिंट होगा, दैट्स इट। तो हम लोग को यहाँ पे ये तो चेक करना है, साथ ही साथ में हम यहाँ पे एक चीज़ और लगा देते हैं, इफ़ कंडीशन इज नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तभी हम लोग को ये चेक करना है, एल्स हम लोग क्या करेंगे, अगर नल हो जाती है तो हम लोग ये वाली चीज़ कॉपी करके ले आएंगे यहाँ पे, और हम लोग फिर से रिफ्रेश करेंगे और देखेंगे, इसको एक बार चेक करते हैं परफेक्ट, और इसको अनचेक करते हैं बैक के आके, इसको अनचेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यू हैव नॉट एक्सेप्टेड टर्म्स एंड कंडीशन, री वैल्यू नल प्रिंट हो रही, तो हम इसको हटा सकते हैं, दैट इज फ्रेंड। तो हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम लोग फॉर्म बना के डेटा सर्वलेट पे सबमिट करा सकते हैं, और अगर एक बार डेटा सबमिट हो गया उसके बाद आप बहुत सारी चीज़ें ऑपरेशंस डेटा पे परफॉर्म कर सकते हैं, इसको डेटाबेस में रख सकते हैं, इसको आप फाइल में राइट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं।
होगा क्या, डेटा आता जाएगा, सेव होता जाएगा, डेटा आता जाएगा, कोई भी यूज़र लॉगिन करेगा, डेटा सेव होता है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम लोग सर्वलेट की हेल्प से डेटा फेच कर सकते हैं, और हम लोगों ने सिंपल एक फॉर्म बनाया विद द हेल्प ऑफ HTML, और उसको सेंड कर दी, उस फॉर्म को हम लोगों ने सबमिट कर दिया विद द हेल्प ऑफ सर्वलेट, उस डेटा फेच कर लिया और उस डेटा को दिखा दिया। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी बूटस्ट्रैप नहीं यूज़ किया, या कोई भी हम लोगों ने डिज़ाइनिंग की लाइब्रेरी नहीं यूज़ की। तो नेक्स्ट वीडियो में शायद हम लोग ये भी देखेंगे कि कैसे इस फॉर्म को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग तो अभी भी हम लोग CSS से बहुत अच्छे से कर सकते थे, बट मेरा मेन फोकस था कैसे हम लोग डेटा को फेच करते हैं सर्वलेट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अभी तक अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लाने वाले हैं। बाय बाय।